हेलो फ्रेंड, ट्रिकी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको जियो के बारे में बताने वाला हूं। और फ्रेंड, अभी की जो सबसे बड़ी न्यूज है वो है कि रिलायंस जियो के करोड़ों यूजर के डाटाबेस हैक हो चुके हैं। करोड़ों जियो यूजर के डाटाबेस इंटरनेट पर बनी एक साइट पर लीक हो गई है। आपको बता दें, इस साइट पर आपका सारा डिटेल जैसे कि नाम, ऑल्टरनेटिव नंबर, ईमेल आईडी, सर्कल, सिम एक्टिवेशन डेट, आधार नंबर, ये सारी जानकारियां लीक हो जा रही है। आमतौर पर तो सभी कंपनियां यूजर के इन डाटाबेस को प्राइवेट रखती है, इन्हें पब्लिकली प्रोवाइड नहीं कराती है। आपको बता दें, इस वेबसाइट का नाम magicapk.com है, जहां पर आप अगर किसी का जियो नंबर सर्च करते हो तो वेबसाइट उस नंबर की पूरी डाटाबेस शो कर देगी। अगर आप इस वेबसाइट को खोलो तो आपके पास इस तरीके का पेज खुलता है, जहां पर अगर आप किसी का जियो नंबर सर्च करो तो आपको उस नंबर से रिलेटेड सारा डाटाबेस निकल के आ जाती है, जहां पे आप देख सकते हो कि यहां यूजर का नाम, ऑल्टरनेटिव नंबर, ईमेल आईडी, सर्कल, सिम एक्टिवेशन डेट और आधार नंबर, ये सारी चीजें मिल जा रही है। इससे ये पता चलता है कि रिलायंस जियो में ऐसे बहुत सारे बग हैं जिसके थ्रू रिलायंस जियो के डाटाबेस को लीक किया जा रहा है। आपको ये बता दें कि ये वेबसाइट कल तक यानी कि रविवार तक काम कर रही थी, पर जैसे इसके बारे में मीडिया को पता चला और ये न्यूज जो है वो वायरल होता चला गया, रिलायंस जियो ने इस वेबसाइट को सस्पेंड करा दिया है। इस लीक से पता चलता है कि रिलायंस जियो के सर्वर में बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से ये डाटाबेस लीक हो रही है। अगर रिलायंस जियो के इन बग को नहीं हटाया गया, यूजर के डाटा को सिक्योर नहीं किया गया, तो ऐसा ना हो कि रिलायंस जियो यूजर के कॉल डिटेल्स और इंटरनेट सर्फिंग डिटेल्स भी इंटरनेट पर लीक हो जाए। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके कि रिलायंस जियो की डाटाबेस हैक हुई थी। तो फ्रेंड, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपका किसी तरीके का कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड मैं इसी तरह के ट्रेंडिंग टॉपिक्स और मोबाइल पर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो फ्रेंड, मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।